हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं थंडर कैट्स मूवी के बारे में, जिसे लेकर काफी सारे अपडेट्स आए थे कि ये फिल्म बन रही है और इस फिल्म को माइकल बे बना रहे हैं और इस फिल्म में थंडर कैट का रोल हमारे डेडपूल यानी रियान रेनॉल्ड्स कर रहे हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे ये तो नहीं पता कि इस रूमर को किसने फैलाया है, लेकिन जिस किसी ने भी फैलाया है, ये रूमर काफी दिनों से चल रहे थे कि माइकल बे और रियान मिलकर एक जबरदस्त फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म का नाम है थंडर कैट। और कुछ दिन पहले इस फिल्म की एक फेक टेस्ट फुटेज भी आई थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सच में इस फिल्म पर काम चल रहा है। और फिर रेसिडेंट इविल फिल्म की हीरोइन मिला जोविस ने भी ये कहा था कि अगर ये फिल्म बन रही है तो वो इस फिल्म का हिस्सा होना चाहती है और उन्हें इस फिल्म में रोल करना है चित्रा का, क्योंकि वो इसके कार्टून को बहुत पसंद करती है। और सच में थंडर कैट का कार्टून 80s में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। खैर, तो अब आ जाते हैं सभी रूमर्स पर। तो अब इस न्यूज को फेक बताया है डेडपुल 2 के राइटर रीड रीज ने। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो भी न्यूज चल रही है थंडर कैट्स को लेकर, वो सभी एक फेक न्यूज है, सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट पर नो डालकर। उसके बाद उनका रिप्लाई करते हुए रे रेनॉल्ड्स ने भी ये कहा कि हाँ, ये बात सच है कि थंडर कैट फिल्म नहीं बन रही है और मैं जिस फिल्म पर काम कर रहा हूँ माइकल बे के साथ, उस फिल्म का नाम है 6 अंडरग्राउंड। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन से भरी हुई है और इस फिल्म की लोकेशन अबू धाबी की है। तो जिस किसी ने भी ये घटिया मजाक किया है थंडर कैट को लेकर, वो सुधर जाए। वेल, तो मुझे लगता है अब आपको भी थंडर कैट से रिलेटेड सारी डिटेल पता चल गई होगी कि असल में थंडर कैट की कोई फिल्म नहीं आ रही है और ये बस एक घटिया मजाक था। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है थंडर कैट्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।